मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। मोदी सरकार 3.0 में यूपी से 11 चेहरे शामिल हुए। यूपी के जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया और इसी के यूपी का प्रतिनिधित्व दो राज्यसभा सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली और यूपी कोटे से राज्यसभा सांसद हरदीप पुरी शामिल हुए और गोरक्ष क्षेत्र से मोदी टीम में दो लोगों को जगह दी गई। महाराजगंज सीट से पंकज चौधरी शामिल हुए और बांसगांव सीट से कमलेश पासवान शामिल हुए। 5 ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल तीसरी बार मंत्री बनी है। वही कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल के जरिए दलित समीकरण साधी गई है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और अवध क्षेत्र से राजनाथ सिंह कीर्ति वर्धन सिंह शामिल किए गए। गोरक्ष क्षेत्र से कमलेश पासवान और पंकज चौधरी को शामिल किया गया है और ब्रज क्षेत्र से बीएल वर्मा और एसपी सिंह बघेल को शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद को शामिल किया गया है। काशी क्षेत्र से अनुप्रिया पटेल को शामिल किया गया है। पश्चिम क्षेत्र से जयंत चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हुए और इस सिख चेहरे के रूप में हरदीप पुरी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। यूपी से दो कैबिनेट राजनाथ सिंह और हरदीप पुरी के रूप में शामिल हुए। एक स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी के रूप में शामिल हुए। अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री बने। कीर्ति वर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। मोदी सरकार 3.0 में यूपी से 11 चेहरे शामिल किए गए हैं। यूपी के जातीय और साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान भी रखा गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद की शपथ ली है और अगर बात यूपी की जाए तो यूपी से भी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 11 चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बिल्कुल, अगर बात करें कल नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तीसरी बार लगातार शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू का इससे पहले नाम आता, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता। निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव काफी गंभीर टफ रहा उनके लिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जो उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाई। लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है उसमें उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ लाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों को मंत्री बनाया गया। लमसम 25% के आसपास जो सांसद हैं वो मंत्री बने हैं, जिसमें कुछ पुराने चेहरे हैं और कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। राजनाथ सिंह तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, साथ ही साथ हरदीप पुरी हैं जो वो भी कैबिनेट मंत्री बने। इसके अलावा बात करें पश्चिम की, बात करें तो पश्चिम से जयंत चौधरी जो जाट नेता है और कहीं ना कहीं इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में चुनाव लड़ा था, दो सीटों पर चुनाव लड़े थे, दोनों सीटें वो उनके खाते में आई थी। हालांकि अगर बात करें जयंत चौधरी वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अलावा बात करें दलितों को भी साधने की कोशिश की गई है। दलितों को कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल के माध्यम से दलित को साधने की कोशिश की। इसके अलावा बात करें तो ओबीसी वर्ग को इस बार ताजा तवज्जो दी गई है। 5 ओबीसी सांसदों को मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बार अमूमन माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग का एक बड़ा धड़ा तो जो था वो भारतीय जनता पार्टी छिटक के समाजवादी पार्टी में चला गया था, कहीं ना कहीं अब 2027 के लिहाज से फिलहाल के लिए ये मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। क्योंकि अब आगे जल्द ही कोई किसी भी तरह की मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 72 मंत्री शपथ ले चुके हैं और 81 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
जो मंत्री बने फिलहाल उनको काम करना होगा, लेकिन जो मंत्री बन के आए हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी कि वो कहीं ना कहीं बेहतर काम करें, तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। अगर बात करें जाति समीकरण के, जाति समीकरण में एक ब्राह्मण चेहरा, साथ ही साथ दो क्षत्रिय, 5 ओबीसी, इसके अलावा 2 दलित और 1 सिख समाज से है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हर तबके को साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। साथ ही साथ बताया जाए ब्राह्मण चेहरे के रूप में जतिन प्रसाद को लाया गया है। पीलीभीत से चुनाव लड़े, हालांकि वर्तमान समय वो पीडब्ल्यू मंत्री मंत्री थे, लेकिन उनको जो है पीलीभीत भेजा गया, अरुण गांधी की जगह चुनाव लड़ाया गया और संभावना ऐसी माना जा रहा था कि चुनाव टफ होगा, लेकिन उन्होंने बड़े मार्जिन चुनाव जीता और एक बार फिर केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह पहले से मंत्री है, दोनों जो कार्यकाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनमें वो कैबिनेट मंत्री रहे, एक बार तीसरी बार वो लखनऊ से सांसद बने और तीसरी बार फिर से मंत्री बने। साथ ही साथ बात करें एक और क्षत्रिय नेता को बनाया, कीर्तिवर्धन सिंह है जो गोंडा से विधायक है, सांसद है, उनको भी एक बार इस बार राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल जो दोनों कार्यकाल में मंत्री रही है, तीसरे कार्यकाल में भी उनको मंत्री बनाया गया। कमलेश पासवान एक नाम है, गोरखपुर से सटी हुई सीट है, बासगांव, वहां से जीतकर तीसरी बार आए हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इस बार का चुनाव अगर पासवान हारते वहां से तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खड़े होते, लेकिन आखिरी में जो परिणाम आए वो कहीं ना कहीं कमलेश पासवान के लिए सुखद रहे और आखिरकार लमसम 3,000 के आसपास के वोटों से वो चुनाव जीते। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एसपी सिंह बघेल की बात करें, पिछले कार्यकाल में मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं। बीएल वर्मा की बात करें, वो दलित चेहरा, ओबीसी चेहरा है, लोक समाज से आते हैं, वो एक बार फिर मंत्री बने। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो कैबिनेट में जिन लोगों को जगह उत्तर प्रदेश से दी गई है वो कहीं ना कहीं जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए दी गई है और कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव में ध्यान रखते हुए दी गई। जी अश्विनी, अगर बात उत्तर प्रदेश के दबदबे की मोदी मंत्रिमंडल में की जाए तो इस बार भी दबदबा देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश का। 11 मंत्री बनाए गए हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 27 का चुनाव, कितना असर 27 के चुनाव में इस मंत्रिमंडल का पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर एक वर्ग को साधने की कोशिश यहां पर की गई है, जिसका बखूबी से आपने बताया भी कि किस तरीके से यहां पर जातीय और क्षेत्रीय आधार पर मंत्रिमंडल में इन मंत्रियों को जगह दी गई है। बिल्कुल, 2027 के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं बेहतर मंत्रिमंडल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से निराशा लगी मिली थी, लेकिन उम्मीद थी कि इस बार कम मंत्री उत्तर प्रदेश से होंगे, लेकिन भरपूर जो है जगह उत्तर प्रदेश को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में दी गई है। 2024 के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल एक बेहद मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि 2027 में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण एक बार फिर हावी होंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से देखा जा रहा कि जातिगत राजनीति में घुसती जा रही है, कहीं ना कहीं को मुद्दा बनाते जा रहे हैं। तो कैसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो जाति वर्ग होंगे उनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि तमाम अन्य चीजें भी देखें कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेता थे जो मंत्री पिछले मंत्रिमंडल में शामिल थे वो चुनाव हार गए, चाहे अजय मिश्रा ठेली की बात करें या महेंद्र पांडे की बात करें या फिर ज्योतिरिंद्र सिंधु की बात करें, इसके अलावा तमाम अन्य नाम थे जो इस बार चुनाव हार गए, लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी कमी पूरा करने के लिए नए मंत्रिमंडल को तैयार किया गया और कहीं ना कहीं अभी मंत्रिमंडल उत्केंद्र के साथ में साथ उत्तर प्रदेश में भी काम करेगा, उत्तर प्रदेश में अपनी जाति समीकरण जो जाति वर्ग होगा उसको साधने की कोशिश करेगा और 2027 के लिहाज से आगे आने वाले जो कार्यक्रम होंगे वो किए जाएंगे। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो बैक करने में बहुत माहिर है, कहीं पर भी उसका माइनस पॉइंट होता है तो निश्चित तौर पर अगली बार वो प्लस के साथ में आती है। उसका उदाहरण मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई लेकिन लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन किस तरीके से मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और अंतिम समय में सफल भी हुई, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पाई। हालांकि कुछ राज्यों में नुकसान भी हुआ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जो हिंदी बेल्ट के खासतौर पर राज्य थे वहां पर नुकसान भी हुआ, लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं वहां यहां पर काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आगे जो चुनाव होने उनको साधने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है दलित वोट है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है, साथ ही साथ ओबीसी एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा से वोट करता आया, लेकिन इस बार का चुनाव रहा कहीं ना कहीं उस ओबीसी वर्ग में से कुछ प्रतिशत था वो कटकर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। ये यूं कहे कि जो प्रत्याशी था लोकल स्तर पर लोकसभा सीट पर उसके पक्ष में चला गया, क्योंकि तमाम सीटें ऐसी थी जहां पर जाति समीकरण हावी इस बार हो गए। अयोध्या की खासतौर पर बात करें, अयोध्या में ऐसा चुनाव आज तक कभी नहीं देखा गया, पहली बार देखा गया कि दलित बड़ी संख्या में जो है समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा जो रोल रहा उसमें जो स्थानीय जो प्रत्याशी थे
थे लल्लू सिंह का उनका रहा, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर 400 सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं संविधान को बदलने पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो SC समाज से आते थे और उन्होंने उसी चीज को पकड़ा, उस पर काम किया और कहीं ना कहीं जो बाल थी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने पाले में डाल दी, बाकायदा अच्छे से उस प्रत्याशी ने खेला। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव अलग तरीके से हुआ, जाति समीकरण के आधार पर हुआ, ध्रुवीकरण जो वोटों का था वो अच्छी तरीके से किया गया, समाजवादी पार्टी ने जो है जाति समीकरण को देखते ही टिकट बंटवारा किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर के तैयारी अभी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में वो काफी दिलचस्प होने वाला है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।